नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। जितने भी हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं फाइनेंस के मामले में, वो भी ये अनुमान नहीं लगा पाए थे कि ऐसा कुछ होने वाला है। दरअसल दोस्तों, बात यह है कि जो भारत की अभी थर्ड क्वार्टर की जो GDP निकल के आई है वो 8.4% है, जो कि सभी की एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर है। दरअसल दोस्तों, आपको बताता हूँ कि ये क्वार्टर क्या होता है। दरअसल ये 3 महीने के बंच को क्वार्टर बोलते हैं, जैसे कि अप्रैल, मई, जून, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टर। जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसको बोलते हैं सेकंड क्वार्टर। ऐसे ही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसको बोलते हैं थर्ड क्वार्टर। तो जो थर्ड क्वार्टर की जो GDP आई है, इसका जो नंबर है वो 8.4% का है। अब ये GDP क्या होती है ये समझाता हूँ दोस्तों। दरअसल बात ये कि GDP उसे बोलते हैं जो हम लोग एक आम आदमी, एक पूरा देश, जो भी सर्विस और जो भी चीज़ों को खरीद और बेच जो करते हैं, उसकी जो वैल्यू है उसको हम रुपए में कैलकुलेट करते हैं और उसी को हम GDP बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, हम सब लोगों ने, पूरे देश ने 3 महीने के अंदर अगर मान लो 100 रुपए की चीज़ों को ख़रीदा है और इसी में हमने सर्विस भी दी है, तो हमारी GDP की वैल्यू हो गई 1,000 रुपये। ऐसे ही पूरे देश की जो एक क्वार्टर में कंजम्पशन और जो भी सर्विसेज वगैरह हैं, सारी चीज़ों की वैल्यू कैलकुलेट करी गई है। अब दोस्तों बताते हैं कि ये 8.4 कैसे आई। दरअसल बात क्या है कि इसका हम जो कंपैरिजन करते हैं वो हम पिछले क्वार्टर से नहीं करते हैं कि मान लो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मंथ क्वार्टर की हमने अभी GDP कैलकुलेट कर दी है, तो इसका हम कंपैरिजन करेंगे पिछले साल के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की जो GDP रही होगी, वहाँ से हम देखते हैं कि कितनी बढ़ी है। तो उस वक्त जो हमारी GDP हुआ करती थी वो 4.3% हुआ करती थी ग्रोथ में, तो वहाँ से अभी जो हमने कंपैरिजन करी है ये वहाँ से 8.4% जंप है उस क्वार्टर से कंपैरिजन करने में। तो ये एक बहुत बड़ा जंप है, इतना हम लोगों ने सोचा नहीं था। अब इससे क्या होगा दोस्तों, जो पूरे साल की अब GDP को अनुमान लगाया जा रहा है, वो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 7.6% हमारे देश की GDP हो जाएगी। दोस्तों 7.6 बहुत बड़ा नंबर होता है GDP के मामले में। आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि जो और देश हैं, जैसे चीन हो गया, अमेरिका हो गया, जितने भी ये बड़े बड़े देश हैं, ये दोस्तों 2-3% की ग्रोथ में ही, ये बहुत है इनके लिए, इससे ज़्यादा ये ग्रोथ ले ही नहीं पा रहे हैं, और हम लोग 7.6% की ग्रोथ लेने वाले हैं, ऐसा अभी अनुमान आ रहा है। और इसकी अगर नंबर में बात करें, वैल्यू में, तो ये समझ लीजिए कि 1,73,000 करोड़ रुपए, इतना बड़ा नंबर है GDP का, ये हमारा होगा 7.6% हमारी GDP। पिछले साल जो रही है हमारी GDP वो 1,61,000 करोड़ रुपए की GDP रही है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, 1,61,000 करोड़ और 1,73,000 करोड़, इन दोनों के डिफरेंस का ही जो हम परसेंटेज निकालते हैं उसी को हम बोलते हैं कि GDP हमारी इतने परसेंट आगे बढ़ गई, तो वही है 7.6%। अब दोस्तों आपको बता दें कि GDP कैलकुलेट कैसी होती है। दरअसल GDP में दोस्तों 4 कंपोनेंट आते हैं। एक आता है कंजम्पशन, दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट, तीसरा आता है गवर्नमेंट एक्सपेंसेस और चौथा आता है नेट एक्सपोर्ट। तो कंजम्पशन में तो वो चीज़ें होती हैं जो हम लोग खाने खर्च में और सारी चीज़ों में, खरीदने बेचने में जो भी खर्च करते हैं उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, सॉरी कंजम्पशन बोलते हैं। और इन्वेस्टमेंट वो होता है जो हम लोग फैक्ट्रियां लगाते हैं, कोई भी कारखाने खोलते हैं, ये सारे जो भी पैसे लगते हैं उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तीसरी चीज़ होती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के भी बहुत से खर्चे होते हैं। गवर्नमेंट के खर्चे जैसे कि मान लो कि एम्प्लॉइयों को सैलरी देती है, कोई कंस्ट्रक्शन करती है जैसे कि ब्रिज बना रही है, डैम बना रही है, ये सारे गवर्नमेंट के भी खर्चे होते हैं। कोई स्कीम चला रही है, वो भी खर्चे हैं। और नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट का मतलब कि हमने कितना विदेशों को माल बेचा है और कितने के हमने ख़रीदे हैं, इन दोनों को नेट करते हैं। मान लो 100 रुपये के हमने बेचे हैं और वहाँ से हमने अगर 80 रुपये का ख़रीदा है तो 20 रुपये जो हुआ ये हमारा नेट एक्सपोर्ट हुआ। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भारत का ये पॉजिटिव का भी नहीं वैल्यू रहती है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट कम करते हैं और इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, मतलब विदेशों को माल कम बेचते हैं हम, कम रुपए का, और उनसे हम खरीदते ज़्यादा रुपए का। एग्जांपल के लिए मान लो हम 100 रुपए की चीज़ अगर बेच रहे हैं विदेशों को, तो उनसे खरीदते हम 120 रुपए की है, ऐसा समझ लीजिए। तो ये माइनस हो जाती है, ये भारत के लिए चिंता का विषय है
कि हमको कहीं ना कहीं एक इम्पोर्ट पे ध्यान देना चाहिए। और इस पे अगर हम बात करें तो सबसे जो वेटेज सबसे ज़्यादा जीडीपी में होता है वो कंजम्पशन का होता है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट का होता है। दोस्तों अब ये समझ लो कि इससे फ़र्क क्या पड़ा, क्यों जीडीपी हमारी इतनी बढ़ गई। दरअसल दोस्तों बात यह है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू बढ़ गई है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आई है देश के अंदर, उस इसीलिए हमारी ये जीडीपी का जो परसेंटेज है ये 8.4 निकल गया, ये बढ़ गया है। इसमें भी अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा काम किस जगह हुआ, किस सेक्टर में, तो दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा काम हुआ है, 11.6% की ग्रोथ है वहाँ पे। दूसरे नंबर पे कंस्ट्रक्शन में ग्रोथ है कितनी, 9.5%, ये बहुत बड़ी नंबर होती है। ये ऐसे समझने में तो छोटा लग रहा होगा 9.5, 11.6, लेकिन दोस्तों ये एक देश के रूप में देखिए ना तो बहुत बड़ा नंबर है। कहीं ना कहीं ये मान लीजिए कि हम लोग बेरोजगारी की तरफ नहीं है, हमारा भविष्य बहुत सुरक्षित है, बहुत अच्छी तरह जा रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से दूसरे देशों में अगर देखें तो वहाँ पे इकोनॉमी उनकी कोलैप्स कर रही है, काफ़ी हद तक नीचे जा चुकी है, उस हिसाब से भारत बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। दोस्तों अब आपको अगर इससे रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें जाननी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।